नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीबी न्यूज। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में हुए मोबाइल व लूट की दो घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन साथी लुटेरे को गिरफ्तार किया है। वहीं एक लुटेरा भागने में सफल रहा। पुलिस ने इन लुटेरों के पास से एक मोटरसाइकिल, 12 अदद मोबाइल, 3 अदद तमंचा, 1 अदद कारतूस व गांजा भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक बरामद सभी मोबाइल चोरी व लूट के हैं। पुलिस ने तीनों लुटेरों पर लूट का मुकदमा लिख जेल भेज दिया है। जो आप लोग पकड़े गए हैं, जो आपके सामने पेश किए गए थे, वो लुटेरे हैं। बेसिकली मोबाइल लूट में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक 5 तारीख को सिविल लाइन क्षेत्र में मोबाइल लूट की और बैग को छीना गया था, इसकी घटना हुई थी। उसके संबंध में कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत था। ये उसी के अभियुक्त हैं, इन्होंने ही उसको अंजाम दिया था। ऐसी बात इनके द्वारा बताई भी गई है। इनकी गिरफ्तारी होने पर 3 लोग टोटल गिरफ्तार किए गए हैं, सत्यम पुत्र मुकेश, मोहित भदौरिया और महेंद्र उर्फ मंत्री, और एक व्यक्ति फरार हो गया था। वो किसी की पकड़ में नहीं आ सका, पुलिस की तलाश जारी है। उसके अलावा इनसे 12 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए हैं जो चोरी के हैं, और 2 अदद तमंचा 315 बोर, 1 तमंचा 32 बोर, 5 कारतूस 315 बोर और 3 कारतूस 32 बोर के, 1 मोटरसाइकिल UP 90 68 95 और 1 मोटरसाइकिल UP 90 29 45 बजाज। इतनी बरामदगी इनके द्वारा हुई है और जो टीम ने पकड़ा है बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, और इनका आपराधिक इतिहास भी है। सत्यम मुकेश के ऊपर 4 मुकदमे ऑलरेडी हैं, मोहन भदौरिया के ऊपर 4 मुकदमे हैं और महेंद्र और मंत्री के ऊपर 4 मुकदमे। पेश है बांदा से हमारे संवाददाता अरबाज खान की खास रिपोर्ट।